नारद बाबा वीणा लेकर के चले, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। मैया पार्वती जी ने कहा, गुरु जी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो। नारद जी बोले, आजकल हम शर्म की वजह से निकलते नहीं हैं, तो आपको ये शर्म क्यों लगती है? मुझे आजकल एक ही चर्चा सब जगह हो रही है, अनसुईया पतिव्रता, और मेरे को सुनने में ठीक नहीं लगता है, कहां पार्वती कहां अनसुईया, तो इसका मतलब हम पतिव्रता नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन लग ऐसे ही रहा है। यही बात ब्रह्माणी जी को बोल दी, यही बात लक्ष्मी जी को बोल दी, तीनों देवियां नाराज हो गई। शाम को भगवान भोले बाबा लौट करके आए, देवी नाराज हो गई हो, क्या बात है बोलो। माई ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि हम पतिव्रता हैं कि नहीं है। भोले बाबा ने मन में सोचा कि पतिव्रता होती तो ऐसे थोड़े ही बोलती, देखो कोई पतिव्रता होगी, कोई पति के चरणों में प्रेम करने वाली देवी होगी तो वो पति से ऐसे थोड़े ही बोलती, वो तो हाथ जोड़ के बोलेगी, स्वामी जी आराध्य देवता, ऐसे बोलेगी, ऐसे थोड़े ही बोलेगी कि हम। बोलने का भी एक तरीका होता है, इसलिए हमारे यहां पत्नी शब्द अकेला नहीं लिखा गया, कभी भी पत्नी को अकेले नहीं बोले आप, क्या बोलते हैं, ये हमारी पत्नी है ना, ये हमारी धर्म पत्नी है। पत्नी अकेले बोला ही नहीं जा सकता, पति को भी ध्यान देना चाहिए, चूंकि वो धर्म पत्नी है, पत्नी नहीं। अब अंतर क्या आया, पत्नी शब्द को पाणिनि व्याकरण में पत्युर्ने यज्ञ संयोगे सूत्र से पतनात् पातति इति पत्नी, पति को पतित होने से रोक दे, अधर्म से हटा दे, धर्म में लगा दे, उसको बोलते हैं धर्म पत्नी। ये पत्नी ऐसे नहीं बना के, हम सदा पति को धर्म की तरफ प्रेरित करें, वही तो धर्म पत्नी है। अच्छा, पहले उसको धर्म पत्नी बोला ही जाता था, वो धर्म में सदैव पति को प्रेरित करती थी। अच्छा, अब ये ना सोचना कि आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आजकल आप उसके धर्म पत्नी बोलते ही नहीं, कोई आजकल धर्म पत्नी नहीं बोलता, आजकल एक नया शब्द चला है, किसी से भी पूछ लो ये कौन है, ये हमारी वाइफ, वाइफ। ये वाइफ बड़ा सीधा शब्द लगता है, वाइफ इज ए नाइफ हू कट्स लाइफ, अंग्रेजी वाले समझ के हिंदी में हम नहीं बोलेंगे, डब्ल्यू आई एफ ही है ना, बरीड इन बाय फोर एवर, तो वो पति देव आजकल हसबैंड हो गए, हंसने का बैंड बाजा, बेचारे बाजे की तरह हे करते रहते, उन्हें यही पता नहीं है कि हम पति हैं कि वॉचमैन है। वो पति का मतलब है हसबैंड, हंसने का बैंड बाजा, तो आजकल ऐसे ही पति होते हैं। तो आप लोग तो खैर ऐसे नहीं है, आप लोग तो खैर ठीक है, अच्छे हैं, आपका तो हम प्रशंसा ही करते हैं। तो ये धर्म पत्नी उसको बोलते हैं, इसलिए शब्द ही अलग है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती तुम पतिव्रता हो, क्यों चक्कर में पड़ी हो किसी की बातों में, नहीं नहीं, या तो हम रहेंगी या अनसुईया रहेगी। ठीक है, तीनों देवता चल दिए, तीनों ने साधु के कपड़े पहने, ब्राह्मण का टीका लगाया और साधु बनकर पहुंच गए। ब्राह्मण साधु गुरु कभी दरवाजे आ जाए और बिना कुछ खाए पिए चला जाए तो ग्रस्त को दोष लगता है, कुछ ना कुछ खिला के ही दरवाजे से भेजना चाहिए, ये नियम है, उसको पहले नंबर तो पैर जरूर धोना चाहिए, अब वो जल घर में छिड़क देना चाहिए, पैर के नाखून में ही तेज होता है, साधना जो भी है वो पैर के नाखून में ही होती है उसके। तो वो महारानी जी बोली, आंगन में चलो, भोजन प्रसाद लेना है। देवताओं ने कहा, देवी हमारा एक नियम चल रहा है, हम उसी गृहस्थ का भोजन स्वीकार करते हैं जिसमें भोजन बनाने वाला, भोजन परोसने वाला विवस्त्र होके ही भोजन कराए, शरीर में कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, वस्त्र होगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी जी ने कहा, हमें मंजूर है,
देखो क्या क्या कैसी कैसी पतिव्रता हो गई, हमारे दरवाजे से साधु भूखा ना जाए, हम तैयार हैं। शरीर में वस्त्र नहीं होना चाहिए का, कोई वस्त्र नहीं होगा, आइए आंगन में पधारिए। तो ये कैसी पतिव्रता है जो किसी पुरुष के सामने वस्त्र नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। ले गई उन तीनों देवताओं को, आंगन में बिठा दिया। ये करिश्मा भी दुनिया में दोबारा कभी नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सारे संसार के मालिक हैं, और आज अनसुईया ने हाथ में जल लिया और बोली, यदि मैंने अपने जीवन में अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन ही ना किया हो, जो मोरे मन कदम से हो निज पति कर ध्यान, तो तीनों साधु बने शिशु अबोध अज्ञान। और जैसी जल मारा तो मामला पलट गया वहां।